अरे दीदी कहाँ जा रहे हैं? अरे दीदी क्या बताऊँ, मेरे बहू को बहुत तबीयत खराब है, ओझा बाबा के यहाँ झाड़ फूक करवाने जा रहे हैं। बहू को कितने माह का गर्भ है? दीदी अभी तो 3 ही माह हुई है। लेकिन दीदी आपके बहू के हाथ में कौन सी किताबें हैं? अरे दीदी हम तो बहू के लेकिन आंगनबाड़ी से जांच करा कर ले कराए रहे, ये किताब वही आंगनबाड़ी के केंद्र मिला है, इसे जच्चा बच्चा सुरक्षा कार्ड कहते हैं। कैसा जांच दीदी? अरे दीदी आपको पता नहीं है आंगनबाड़ी केंद्र में हरेक बुधवार शुक्रवार एनम दीदी आते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र में दीदी महिला गर्भवती को जांच करते हैं और बच्चा को टीका लगाते हैं। हाँ दीदी पहले आप अपने बहू को एनम दीदी से दिखाइए। और हाँ इसको ओझा गुमी की जरूरत नहीं है, इसको स्वास्थ्य केंद्र की जरूरत है। अरे दीदी तब तो मेरी बहू को भी इलाज करा दीजिए स्वास्थ्य केंद्र में। अच्छा दीदी चलिए बहू को लेकर आंगनबाड़ी केंद्र में। ठीक है बहू आप बैठिए, हम दीदी को बहू को दिखाकर आ रहे हैं। नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे दीदी अभी तो आप अपनी बहू को इलाज करा के गई कि फिर वापस आ गई? दीदी हम मेरे पड़ोसी में एक दीदी थी, उसी अपने बहू को ओझा के पास ले जा रही थी, उसी को हम लेकर के एनम दीदी के पास यहाँ जांच कराने के लिए आए हैं। अच्छा पड़ोस वाली बहू को लेकर आए हैं दीदी, चलिए इसका जांच कर देती हूँ। दीदी हम जा रहे हैं, विद्या दीदी को बहू का जो जांच होगा सो कर दीजिएगा, हम जा रहे हैं। ठीक है दीदी जाइए, हम विद्या दीदी के बहू को जांच कर लेते हैं। सबसे पहले दीदी आपका पंजीकरण करेंगे, उसके बाद वजन करेंगे, पेट जांच करेंगे, आपका बीपी जांच होगा और खून जांच करेंगे। दीदी आप अपना नाम बताइए। पूजा कुमारी। पति का नाम विभास कुमार, उम्र 20 वर्ष। पता बताइए। ग्राम जोगिया, थाना अलौली, जिला खगड़िया। अंतिम मासिक चक्र का तिथि बताइए। 21 तारीख। दीदी आप कितने माह पहले मासिक हुए थे? 3 माह। अरे दीदी आपका संभावित तिथि 21/12/14 को है। दीदी ये जच्चा बच्चा कार्ड है, जब भी आप यहाँ आइएगा जांच करवाने के लिए तो इसको लेकर के आना। अच्छा जच्चा बच्चा कार्ड है। हाँ दीदी। दीदी आपका वजन होगा, इस पर चलिए। अरे दीदी आपका वजन तो बहुत कम है, आप बहुत कमजोर हैं दीदी, आपको अपने सेहत पर ध्यान देना होगा। दीदी आपका हम बीपी जांच कर रहे हैं। दीदी आपका बीपी नॉर्मल है, 120/80 है। दीदी अब हम आपका पेट जांच करेंगे। दीदी आप अपना कार्ड ले लीजिए, आप बहुत कमजोर हैं, आप अपने सेहत पर ध्यान दीजिएगा और बाहर आंगनबाड़ी सेविका दीदी से 100 आयरन की गोली ले लीजिएगा, उसके बाद रात में खाने के बाद आपको एक गोली रोज
रात में खाना। दीदी आप बहुत कमजोर हैं, आपको थोड़ा इस अवस्था में ध्यान देना होगा। बाहर जीविका सहेली दीदी बैठी हुई हैं, उनसे थोड़ा सलाह ले लें। ठीक है, प्रणाम। मेरा नाम रेखा देवी है, मैं जोगिया गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र में NM हूँ। आप ही जीविका सहेली हैं? हाँ, मैं ही। प्रणाम। प्रणाम। बैठिए दीदी। कैसे आना हुआ दीदी आपको? हम अभी NM दीदी के यहाँ से आए हैं, वही हमको आपके बारे में बताइए। NM दीदी से भी चेक कराते हैं, वो वही कार्ड दी है हमको और आपसे बोलिए मिलने के लिए। दीदी आप तो बहुत कमजोर हैं, आपको इस अवस्था में खान पान पर ज्यादा ध्यान देना है। ये विशेष खान पान क्या है दीदी? दीदी गर्भावस्था के दौरान विशेष खान पान पर संतुलित आहार आपको लेना है। संतुलित आहार लेने से आपका जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहेगा। दीदी ये संतुलित आहार क्या है? दीदी आप अपने दैनिक आहार में शरीर के आवश्यकता अनुसार सभी भोज पदार्थ को सभी अनुपात एवं मात्रा में शामिल किया जाए, उसे ही संतुलित आहार कहते हैं। क्या ऐसा खाना खाना जरूरी है दीदी? दीदी खाना तो पेट भरने के लिए जरूरी है, फिर हमारे खाने में इतने सारे चीजों की क्यों जरूरी है? दीदी खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, बल्कि गर्भावस्था के दौरान हमें तिरंगा भोजन लेना बहुत जरूरी है। दीदी ये तिरंगा भोजन क्या है? दीदी आपको पता है जो हमारे देश के ध्वजा है वो 3 रंग के होते हैं, उसी प्रकार गर्भावस्था के दौरान उन्हीं 3 रंगों का भोज पदार्थ की आवश्यकता हमारे शरीर के लिए होती है, जो कि शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा दीदी तिरंगा भोजन में कौन कौन से भोज पदार्थ हैं? देखिए दीदी जैसे हमारे ध्वज में केसरिया उजला और हरा रंग होता है, ऐसा ही रंगों का खाना गर्भवती और धात्री माताओं के लिए बहुत जरूरी है। जैसे हमारे ध्वज में केसरिया रंग होता है, ऐसे ही रंग का खाना जैसे दाल टमाटर आम पका फल इत्यादि, वैसे ही उजला रंग में चावल गेहूं अंडा दूध दही पनीर, वैसे ही हरे रंग में सब्जी और साग, ऐसा ही खाना गर्भवती माताओं के लिए बहुत जरूरी है। तब तो दीदी तिरंगा भोजन लेना हमारे शरीर के लिए तो बहुत जरूरी है। तुमने सही समझा, इसीलिए जीविका परियोजना ग्राम संगठन के माध्यम से पोषाहार केंद्र को चला रही है। इसी के लिए तुम पोषाहार केंद्र पर आ जाओ, पंजीकरण करा लो और सुबह दोपहर शाम का भोजन करो। तब तो हम पोषाहार केंद्र पर ही जाके भोजन करेंगे। दीदी आपने तो हमें बहुत अच्छी बात बताई। एक और बात ध्यान देने के लिए जरूरत है दीदी, गर्भावस्था के दौरान संतुलित आहार के साथ साथ दिन में कम से कम 2 घंटा आराम करना अति आवश्यक है। दीदी आपने हमें गर्भावस्था के दौरान क्या क्या खाना चाहिए बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीदी, कल से आ जाना। नमस्ते, मेरा नाम पूजा कुमारी है, मैं गंगा समूह की सदस्य हूँ। मेरा नाम सुलेखा कुमारी है, मैं जोगिया ग्राम के अंतर्गत प्रार्थना एवं प्रतिज्ञा में जीविका सहेली के रूप में काम करती हूँ।